सर। तो आज की हम क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे एरे फॉर्मूला के बारे में। अब समझते हैं एरे फॉर्मूला आखिर क्या है। सिंपल से भी हम बताना चाहेंगे आपको कि जैसे हमने वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा, फाइव लिखा, इस तरह से। लेकिन इसी को अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सेल में वन टू थ्री फोर, क्या बोले सर? रवि जी कुछ बोलना है आप लिखे यहां पे एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि सीक्वेंस इस तरह से पांच तक अलग अलग सेल हमने तो लिखा एक सेल में है बट हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है मतलब इसको हम एरे सिंबल कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ए क्या हुआ कि कॉमा लगा हुआ है जिस कारण से वो अलग अलग कॉलम्स में डेटा दिखा रहा। अगर कॉमा नहीं लगा रहता, अगर सेमी कोलन डालता तो वन सेमी कोलन टू सेमी कोलन थ्री फोर फाइव तो क्या होता, वो अलग अलग इस तरह के रो में दिखा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या बेनिफिट है मैं ऐसे लिख दूं चाहे वैसे लिख दूं, मतलब मैं मैनुअल लिख दूं या एरे फॉर्मेट में लिख दूं, सीक्वेंस नंबर से क्या फर्क पड़ता है? देखिए सीक्वेंस नंबर से फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं बताता हूं। यहां हमने अपना नाम लिख सूची, राइट। अब मुझे यहां पे हर एक लेटर को अलग अलग सेल में लिख, हर एक सेल में क्या करना है अलग अलग लेटर लिखना है। तो इसके लिए जनरली हम लगाएंगे मिड फॉर्म। मिड फॉर्म लेने गए हमने बोला कि लेफ्ट से एक लेटर ले और एक लेटर लेफ्ट से पहले कैरेक्टर से एक लेटर अलग कर, तो इसने एस अलग कर। फिर मैंने अगली सेल में अगेन मिड का फॉर्मा लगाया, इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला कि दूसरे कॉलम से एक लेटर, दूसरे माने पोजीशन से एक लेटर अलग कर दे, तो दूसरा पोजीशन क्या है यू है तो ये यू अलग कर दे। फिर यू से एक लेटर तो यू ही रहेगा, अलग कर दिया। देन हमने लगाया फॉर्मूला अगेन मिड का और हमने बोला कि तीसरे लेटर से एक लेटर अलग कर, फिर हमने यहां पे अगेन लगाया मिड का फॉर्म और यहां पे हमने बोला कि चौथे लेटर से इसमें अलग कर दे। ऐसे अगेन मिड का फॉर्मूला हमने बोला यहां पे कि पांचवें लेटर से एक लेटर, यहां पे पांचवें लेटर से एक लेटर को अलग कर दे। और फिर लास्ट में तो आपने देखा कि हमने एरे इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे छह अलग अलग सेल के फॉर्मूले लगाना। अब इसको मैं ड्रैग नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी का अलग अलग रेफरेंस है, ठीक है। अब इसको ऑटे कैसे करें, अगर मैं इसी फॉर्मूले को एरे मेथड से लगाऊंगा तो यहां पे सिंपल लिखूंगा मिड। मिड में हमने इसको सेलेक्ट किया, कर्ली ब्रैकेट में हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दे दिए और यहाँ पे वन, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे फॉर्मूला लग चुका। तो आपने देखा कि एरे फॉर्मूला कितना काम का था, जो हम अलग अलग एक सेल पे चीजें कर रहे थे वो हमने एक यहाँ पे कर, ठीक है। अब इस एरे को हम ऑटोमेट, अब जैसे यहाँ पे एक और काम हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पता चला बाद में कि मुझे इसको अपर लेटर में कन्वर्ट करना है तो हर एक सेल पे जाके मुझे अपर लेटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? हर एक सेल पे जाके अपर लेटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट अगर मैंने इसको एरे इस्तेमाल किया है तो एक बेनिफिट क्या होगा कि मैं जो भी फॉर्मूला चेंजिंग करना है एक सेल पे चेंजिंग करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, बाकी सब क्या हो जाएगा सर ऑटोमेटिक चेंज हो। तो यहाँ पे हम एरे लगाया कैसे, तो बेसिकली एरे जो हमने लगाया तो हमने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे सिक्वेंसली एक एक करके नंबर देना पड़ा, तो जो हम हर सेल में नंबर देंगे उसके जगह पर हमने यहीं पे दे दिया नंबर, रिजल्ट आ गया।
जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे, हमने आपको लास्ट टू लास्ट फॉर्मूला बताया था क्लास में, हमने आपको बताया था ईएमआई निकाला कि प्रिंसिपल अगर 50,000 है, रेट हमारा 5% है और टाइम हमारा 3 साल, तो इसमें ईएमआई कैसे निकलेगा? तो हमने आपको समझाया था फॉर्मूला पीएमटी का, किसका? पीएमटी। पीएमटी के अंदर हमने रेट लिया, रेट को डिवाइड किया 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई किया अगेन 12 से, और प्रिंसिपल ले लिया एआर। ये मैंने लास्ट टाइम में बताया था। अब 1498 रुपए की ईएमआई आपकी जा रही है। 36 महीने का कोर्स है, आप 15वें महीने या 5वें महीने आप जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने आपको 1498 रुपये मल्टीप्लाई 5, 7,400 रुपये दे दिए हैं, 50,000 से माइनस कीजिए और 43,000 रुपये या 42,000 रुपये लीजिए और लो लफा दफा कीजिए। बैंकर क्या बोलेगा? रुको भाई रुको, आपने 1498 रुपये जो दिया उसमें से प्रिंसिपल कितना है और ईएमआई कितना है वो तो कैलकुलेट कर लें। तो कैसे करें? तो अगर 5 महीने का है तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां रखेंगे और यहां पे हम देंगे फॉर्मूला पी पी एम टी। ठीक है, इसमें आएगा रेट, क्या आएगा? रेट डिवाइड बाय 12। और कौन से महीने का पीएमपी निकालना है? तो मुझे इस महीने का निकालना। फिर आता है आपका एनपीईआर, टाइम। तो टाइम को मैंने मल्टीप्लाई किया 12 से और हमने पीवी ले ली 15,000, तो पता चला कि पहले महीने 1200 की ईएमआई थी। पहले महीने किस कितने ईएमआई थी? 1200 की। मैं 1200 का प्रिंसिपल गया था और दूसरे महीने कितने का प्रिंसिपल गया था? तो दूसरे महीने आपका 1295 का। फिर तीसवें महीने कितना आ गया था? इस तरह से। तो अब प्रॉब्लम है कि यहां तो कंफ्यूजन है कि कितना कितना महीना भी हो सकता है, तो मैं ऐसे एक एक करके करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्या सर? तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि ऑटोमेटिक उतना ही सीक्वेंस जनरेट करे जो नंबर मैं दूं और उतना ही फॉर्मूला लगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया और यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का कॉलम, और यहाँ मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे इतना ही सीक्वेंस चाहिए जितना नंबर मैं डालू। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है सीक्वेंस का, जिसका हम यूज करते हैं बहुत सारा एरे में। हमने बोला कितने रो चाहिए, तो 5 रो चाहिए, कॉलन 1 चाहिए। मेरा सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो और एक एक का स्टेप जाए। तो ये देखिए 5, मैं दोबारा लगा रहा हूं। मैंने यहाँ पे दिया फॉर्मूला सीक्वेंस का, सीक्वेंस में हमने बोला कि मुझे 5 रो चाहिए। कितने रो चाहिए? 5 रो, क्योंकि तो मुझे रो वाइज डेटा चाहिए, इसलिए हमने 5 रो। और यहाँ पे मैंने बोला कि कॉलम तो एक ही कॉलम में, एक कॉलम चाहिए। स्टार्ट कहाँ से? तो हमने बोला 1 से स्टार्ट और 1 से दूसरे के बीच में गैप कितना होगा? तो हमने क्या बोला? हम यहां बोलेंगे कि मुझे 1 का चाहिए। ये देखिए सीक्वेंस, ठीक है। अब यहीं पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला पीपीएमटी। पीपीएमटी में मैं दूंगा रेट, रेट जो कि होगा ए मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, और नंबर कौन सा है? तो ए रहा। अब यहां भी अगर नंबर इस तरह से दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ड्रैग करना पड़ेगा। तो यहां भी हमने क्या दे दिया? सीरीज, सीक्वेंस का हुआ सीक्वेंस। रो नंबर कितना है? तो 5 है। कॉलम कौन सा है? तो 1 है। स्टार्ट कहां से करना है? तो 1 से, और एंड कहां पे करना है? तो 1 पे करना। और फिर मैंने यहां पे अपने टाइम को
मल्टीप्लाई किया 12 से और यहां पी वी को हमने यहां पे ले लिया। दिख रहा है सर? तो अगर मैं यहां पे 6 करूंगा तो ऑटोमेटिक 6 आएगा, अगर मैं यहां पे 10 करूंगा तो ऑटोमेटिक देखिए 10 आएगा, अगर मैं यहां पे 20 कर दिया तो नीचे ऑटोमेटिक 20 तक जाएगा, और मैं यहां पे अगर 5 कर दिया तो 5 आएगा। ये है एरे का पावर। बट सीक्वेंस फॉर्मूला आपको लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा, इसका ध्यान रखें। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यहां पे टोटल पता करना है कि 5 महीने में टोटल कितने हुए, तो ये जो फॉर्मूला आपका है इसी फॉर्मूले को लीजिए और इक्वल सम में डाल दीजिए। जिसमें डाल दीजिए सम में डाल दीजिए, एंटर प्रेस। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम में फॉर्मूला लगाया, क्या इसको एक सेल में फॉर्मूला, एक कॉलम में फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता? देखते हैं ट्राई करके लगाया जा सकता है या नहीं। यहीं पे हमने करी ब्राई के दिया और करी ब्राई के, और यहां पे मैंने दिया कॉमा, क्या दे दिया कॉमा, और यहां पे हमने अपना पीएमटी का फॉर्मूला डाल दिया, और यहां पे भी हमने लगा दिया करी ब्राई के, क्लोज कर दिया। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं, नहीं नहीं, इस तरह से करली ब्रैकेट में आप नंबर या कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, ऐसे कोई फॉर्मूला आप नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसे कोई फॉर्मूला आप नहीं दे सकते। नहीं नहीं दे सकते। ठीक है, तो एरे के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलकुलेट, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपने देखा उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये आपने जो इनपुट चाहिए उस इनपुट को आपने क्या किया है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। दूसरा आता है कैलकुलेशन, कि हम एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशंस को भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो सारे नंबर में प्लस 200 करना है, तो हम इक्वल इस पे हमने प्लस 200 कर दिया और इसको ड्रैग कर दिया। फिर आता है सब में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया और फिर इसको ड्रैग कर दिया। फिर आता है सबको मुझे ऐड करना है 100 से, डिवाइड करना है 100 से, तो सबको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, और फिर सब में मुझे प्लस 60 ऐड करना है, तो हमने प्लस 60 ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ टोटल निकालना, तो अगर मैं एरे के साथ ना चलूं तो मुझे क्या करने होंगे, इतने सारे फॉर्मूले एक साथ लगाने, क्योंकि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एरे का इस्तेमाल करूं तो ये सारा काम एक सेल में कर सकता हूं। जैसे यहां पे मैं इसको कॉपी करके यहां रखता हूं, अब देखिए एरे के साथ, एरे के साथ मुझे यहां पे टोटल निकालना है, तो सबसे पहले हम किया सम का फॉर्मूला। सम के फॉर्मूले में हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया और इसमें मैंने किया प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100 एंड प्लस 60, एक साथ हमने सब लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो रिजल्ट गलत आया। रिजल्ट गलत आने के पीछे का रीजन है, हमने इसमें बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया, तो मुझे एक एक करके हर कैलकुलेशन को
सेपरेट करना होगा इस तरह से। एक एक करके हर कैलकुलेशन को हमने क्या किया, इस तरह से वन बाय वन सेपरेट किया। अब इंटरप्रेट कीजिए 340। अब देखिए विदाउट एरे इसी रिजल्ट को पाने के लिए हमने इतना सारा सेल का इस्तेमाल किया और हम सम फॉर्मूले के मदद से देखिए एक ही बार में। तो एरे का पहला क्या हुआ कि आप अलग अलग फॉर्मूले की इनपुट्स को अलग अलग तरीके से देने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। और दूसरा मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन, कि कई सारे कैलकुलेशंस को वन बाय वन आप एरे में कर सकते हैं। अब अगर किसी लोअर वर्जन में एरे का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें इंटर मारने से आपका एरे वर्क नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंटर की जगह पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है। अब एरे का तीसरा मोड होता है स्टोर द डेटा, किसी पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करना। कैसे, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए ये हमने यहां आपके सामने दिख रहा है, ये नाम आपको दिख रहा है, इतने सारे नाम है। मैं यहाँ पे आईडी लिखू तो मुझे नेम चाहिए, तो आप बोलेंगे सर कुछ दिन पहले आपने हमें वी लुकअप पढ़ाया था, इसको सिलेक्ट करेंगे वी लुकअप को, वी लुकअप से हम ला। अब मैं बोला कि मैं वी लुकअप नहीं लगाऊंगा, ना लगाने के पीछे का रीजन क्या है, ना लगाने के पीछे का रीजन है कि यहां मुझे अपने डेटा को रखना पड़ेगा, मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं अपना डेटा रखना नहीं चाहता। ठीक है, समझे कि नहीं सर, तो बोलेंगे इफ लगा लीजिए। तो जनरली अगर मैं यहां पे इफ लगाया कि दैट इज यहां पे इक्वल टू अगर वन है तो पूजा है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मेरा डेटा है, इस तरह से रखना पॉसिबल नहीं होगा। क्या करें, तो इसके लिए हम यहां पे वी लुकअप तो लगाएंगे बट वी लुकअप के अंदर ही डेटा को रख देंगे, वो भी एरे फॉर्मेट। तो हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हम बोलेंगे वन और सेट यहाँ पे कॉमा पूजा, पूजा इन्वर्टर कॉमा में लिखना है तो हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे आता है वापस सेमी कॉलम, क्या आता है सेमी कॉलम, क्योंकि रो चेंज है ना, रो में टू मोहन इस तरह से रखेंगे मोहन, फिर सेमी कॉलम थ्री कॉमा मैं आगे कभी। अब बोलेंगे सर ये तो वही बात होगी ना, इसको एक एक करके लिखना पॉसिबल नहीं है, एक एक करके लिखना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, इसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरे टू टेक्स्ट। एरे टू टेक्स्ट को लिया और हमने यहां पे सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं इस तरह से आएगा, लेकिन इसी में आता है, इसी में डबल क्लिक कीजिए आपको आएगा यहां पे क्या मोड, मोड में हमने कॉन्सिस कर लिया तो ये आपका ये आएगा। और इस यहाँ पे एक चीज और आता है स्ट्रिक करते हैं, स्ट्रिक कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी लगा के दे देगा। अब करना क्या है, कॉपी करके इसको यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर लीजिए, क्या कर लीजिए वैल्यू पेस्ट। अब इसको डायरेक्ट वी लुकअप में लगा दीजिए या फिर इसके लिए बेटर होगा कि आप डिफाइन नेम करें, यहाँ डेट फॉर्मूला बार में आप जो है यहाँ ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे मैंने दिया डेटा और यहाँ पे जो मैंने एरे में लिया है ना ये जो कॉपी किया था उसी को पेस्ट कर दिया सारा का सारा, देन ओके कर दिया एंड क्लोज। अब यहाँ पे इक्वल वी लुकअप और हमने सिलेक्ट करके डेटा को कॉल कर लिया कॉमा टू कॉमा जीरो, तो हमने क्या किया फॉर्मूले के अंदर ही अपना डेटा डाल।
अब इस डेटा को डालने का एक लिमिटेशन, ऐसा नहीं कि आप 10-20 हज़ार डेटा लेके डालना शुरू करोगे, नहीं, इसकी भी एक लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन जो थोड़े बहुत चीज होते हैं उसको तो हम आसानी से कर सकते। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ यूजेस के बारे में जानते हैं। अब जैसे यहां पे देखिए कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट है, मुझे यहाँ रेट निकालना, तो मैंने क्या किया, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दिया, और नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं। जब नीचे की तरफ इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए इसके बीच में एरर आ गया। मान लीजिए मुझे सबका सम चाहिए, तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि अगर कोई फॉर्मूला एरर दे रहा है तो रिजल्ट भी एरर ही देगा। मेरे पास इसके दो तरीके, या तो मैं जाऊं इस एरर का फॉर्मूला लगा के इसको जीरो में कन्वर्ट करूं। अब मान लीजिए कि अगर एक तरह का फॉर्मूला होगा तो आप कॉपी पेस्ट कर देंगे चलेगा, लेकिन फॉर्मूला एक तरह का ना हो और इस एरर को चेंज करना पॉसिबल नहीं हो तो क्या करेंगे। ऐसे केस में हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे इक्वल सम, यहाँ दे देंगे इफ एरर, और इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉमा जीरो कर देंगे। तो इफ एरर क्या करेगा, अब इसको समझिए कि एरे वर्क कैसे करता है। एरे लूप की तरह वर्क करता है, किसके तरह वर्क करता है, लूप की तरह। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इफ एरर जो है जितना डेटा है उतना बार चला और रिजल्ट नंबर में नहीं तो जीरो में दिया, जहां जहां एरर था वहां वहां इसने जीरो दे दिया और देखिए यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए भी क्वांटिटी एमआरपी है। अब मुझे इस पर, हालांकि इसके लिए ऑलरेडी सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, बट सम प्रोडक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करता है, बट मुझे अगर मल्टीप्लाई के जगह पे कुछ और करना है तो क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम एरे का इस्तेमाल करेंगे कि इसको हम लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसको लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो हम फॉर्मूले के अंदर ही सारी चीजें कर लेते हैं, ये बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे समझिए एरे कोई लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नहीं है कि आपको मैं ए बता दिया, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, मैक्स, डेक्स बता दिया। एरे फॉर्मूला लगाने का तरीका है, वो किसी भी फॉर्मूले के साथ लग सकता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट समझ जाएंगे तो एक एग्जाम्पल काफी है, नहीं समझ में आया तो 1000 एग्जाम्पल भी कम पड़ेंगे। तो ए फाइल मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप लोग इसकी कीजिए प्रैक्टिस। ठीक है, अब अगली जो हमारी मंडे की क्लास होगी, उस मंडे की क्लास में हम आपको बताएंगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, उसके बाद फिर हमारा डायनेमिक चार्ट का चैप्टर।